हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम्स कार्ड। अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम जानेंगे 16 नवंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है। VVS लक्ष्मण बने राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी NCA के अगले प्रमुख। ठीक है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी यानी कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अगले प्रमुख पूर्व भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। इससे पहले राहुल द्रविड़ इस पोस्ट पर थे। उनके भारतीय टीम का मुख्य कोच बनने के बाद यह पद खाली है। लक्ष्मण फिलहाल IPL में सनराइज हैदराबाद के मेंटोर भी हैं। इसके अलावा उन्होंने इस साल की शुरुआत तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में भी काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हैं VVS लक्ष्मण, आप जानते होंगे इन्हें बखूबी। अगर क्रिकेट पसंद करते हैं देखना तो ज़रूर पता होगा आपको। चलिए नेक्स्ट। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सिटीज़न टैली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने सिटीज़न टैली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप को 18 से 14 नवंबर तक न्याय विभाग द्वारा मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकील से जोड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत पे ने लॉन्च किया पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम। भारत पे ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम MSP लॉन्च किया। यह $100 मिलियन मूल्य का कार्यक्रम है जिसके तहत कंपनी अपने मर्चेंट ग्राहकों को भारत पे के इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदार बनने का अवसर प्रदान करेगा। अपनी 2024 तक सार्वजनिक लिस्टिंग की योजना बना रही है कंपनी और सार्वजनिक लिस्टिंग का मूल $1 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, दो 2024 तक लिस्ट हो जाएगी ये भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या NSE में। ठीक है, भारत पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नवंबर को बनाया गया कौन सा विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। अभियान का उद्देश्य मधुमेह से पीड़ित लोगों का समर्थन करने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की जो इस बार की थीम रही या 2021 से 23 तक की थीम रही क्या, डायबिटीज़ केयर तक पहुँच एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। ठीक है, इंग्लिश में है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। थीम इम्पोर्टेंट है, थीम याद रखनी है। ठीक है, राहुल द्रविड़ बने किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर। बच्चों के फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त किया है। प्लेटो भारत का पहला D2C यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर फुटवेयर केंद्रित फुटवेयर ब्रांड है जिसे विश्व रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में 3 लोगों के द्वारा की गई थी जिनके नाम है रवि कलाइल सारा किलगोरे पवन करेती। ठीक है, ये 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी प्लेटो ब्रांड की। ठीक है, राहुल द्रविड़ उसके ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हुआ रानी कमलापति स्टेशन। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 18वीं शताब्दी के भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी और गोंड समाज की शान थी। ठीक है, गोंड एक जनजाति है मध्य प्रदेश में, काफ़ी फेमस है। ठीक है, उसकी शान थी कौन, हिंदू रानी कमलापति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को अपने भोपाल दौरे के दौरान पुनर्निर्मित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। 15 नवंबर को उन्होंने उद्घाटन किया। 3 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल
के तहत 450 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन की आधुनिक हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया गया है। ठीक है, 450 करोड़ रुपए की लागत से ये हबीबगंज स्टेशन को बनाया गया है। काफ़ी अच्छा इसका डेवलपमेंट किया गया है, जैसे हवाई अड्डे होते हैं उस तरह से इसको डेवलप कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, आपको पता होगा काफ़ी क्लीनिनेस है उधर। ठीक है, नेक्स्ट, विवेक सागर प्रसाद बने हॉकी पुरुष जूनियर टीम के कप्तान। ठीक है, हॉकी इंडिया अनाउंस 18 मेंबर इंडिया स्क्वाड फॉर दी अपकमिंग इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 होने वाला है हाल ही में। ठीक है, तो उसके लिए 18 लोगों की मेंबर टीम घोषित कर दी गई है इंडिया हॉकी के द्वारा, जिसमें विवेक सागर उस टीम के कैप्टन बनाए गए हैं। ठीक है, विवेक सागर हु वॉज द पार्ट ऑफ द सीनियर टीम ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स हैज़ बीन गिवन द कैप्टनसी ऑफ द टीम, वाइल संजय द डिफेंडर ऑफ द टीम दैट वॉन द सिल्वर मेडल एट द 2018 यूथ ओलंपिक्स हैज़ बीन मेड द वाइस कैप्टन। ठीक है, तो जो क्या नाम है, संजय हैं, संजय बनाए गए हैं उप कप्तान। ठीक है, और विवेक सागर कप्तान बनाए गए हैं। इंडिया हैज़ वॉन द लास्ट टूर्नामेंट हेल्ड इन 2016 में जो टूर्नामेंट हुआ था वो इंडिया जीती थी। दिस टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज इन भुवनेश्वर। ये टूर्नामेंट जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब से कब तक, 24 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक ये आयोजन चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय में 44वां वांगला उत्सव शुरू हुआ है। मेघालय राज्य के वांगला, जिसे 100 ड्रम का महोत्सव भी कहते हैं, इसके 44वें संस्करण को मनाया गया। यह गारोस जनजाति का एक फसल के बाद का त्यौहार है, जो हर साल गारोस के सूर्य देवता सलजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का भी प्रतीक है। 1976 से मनाए जाने वाले यह गारो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और बहुत सारे पर्यटक को आकर्षित करता है। बांग्ला के दौरान आदिवासी अपने देवता सलजोंग सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेघालय का ये इवेंट है, उत्सव है वांगला। ठीक है, और किस जनजाति से रिलेटेड है, गैरोस ट्राइब से। ठीक है, गैरोस जनजाति से। चलिए नेक्स्ट है, 6ठा भारत फ्रांस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक शक्ति 2021 शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस की सेनाएं फ्रांस के फ्रीजूस में 15 से 26 नवंबर 2021 तक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास एक शक्ति के 6ठे संस्करण का आयोजन करेंगी। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन द्वारा किया जाएगा और फ्रांस सेना का प्रतिनिधित्व 6वीं लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड की 21वीं मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक शक्ति किस किस के बीच में है, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट करंट अफेयर आज का, डॉक्टर संजय कुमार ने फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया। भारत के रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अजय कुमार ने दिल्ली में फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक उग्रवादी विरोधी अभियानों, उत्तर पूर्व में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु मुद्रा आदि जैसे विषयों पर निबंध का संकलन है। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, दिस बुक इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ एसे ऑन द टॉपिक सच एस एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट, एयर पावर, न्यूक्लियर करेंसी एटसेट्रा। ठीक है, जिसमें सशस्त्र बलों के सभी दिग्गजों का योगदान है, जिनके पास बलों और इनके अनुप्रयोग के लिए के कई महत्वपूर्ण आधारशिलाओं का व्यापक परिचलन अनुभव और समझ है। ठीक है, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इसके साथ शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो। ठीक है, कि टेलीग्राम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और जैसे भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल है कंटेंट, तो जैसा अच्छा लगे वहाँ आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन
टेक केयर, बाय बाय।